अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपको दिखाते हैं अल्लाह सुबहाना व ताला की बड़ी बड़ी नेमतें जिनका हमें खबर ही नहीं। ये हमारे दोस्त की एक जगह है, ये लोग स्टोन्स वगैरह का काम करते हैं। ये जो है ये कहते हैं कि इससे सब स्टोन कहते हैं, जितने भी कॉस्मेटिक वगैरह, जितने भी हम शैम्पू सोप वगैरह यूज़ करते हैं, ये इन चीज़ों में इस्तेमाल होता है। तो यार आप देखिए कि अल्लाह सुबहाना व ताला पत्थरों से क्या क्या काम ले रहे हैं, और अल्लाह सुबहाना व ताला ने दुनिया में किसी भी चीज़ को बेफायदे नहीं बनाया हुआ है। आगे भी आपको मैं और पत्थर भी दिखाता हूँ यहाँ पे कि कैसे कैसे स्टोन्स हैं। ये वो स्टोन है जो सोप्स वगैरह कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज होते हैं। देखिए अच्छा, ये भी सब स्टोन है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, वो भी पड़ा हुआ है, और ये अफगानिस्तान से आया हुआ है। तो मैं हैरान इस चीज पे हूँ कि यार ये अल्लाह सुबहाना व ताला की इतनी नेमतें हम पर, इतनी नेमतें कि किस किस का शुक्र हम अदा करें। दरअसल हमारे दरदम खेल में कभी कभार एक कोयले वगैरह इन सब पे झगड़े वगैरह होते हैं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह सुबहाना व ताला के खजाने हैं, इसके लिए नीयत साफ रखे, दिल साफ रखे, बोगज और कीने ना करे। कसम से नेमत अल्लाह सुबहाना व ताला पहाड़ों की शक्ल में आप पर बरसाएगा। अल्लाह सुबहाना व ताला आपको कामयाब करे, मजीद कामयाबियाँ दे। यहाँ पे सिर्फ सब स्टोन ही होते हैं और स्टोन नहीं है, क्वार्ट्स का। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। अभी यहाँ पर वो डायमंड तो एक्सपेंसिव भी बहुत ज्यादा है। ये पत्थर है, हीरे की बात आप कर रहे हैं। अभी मेरे पास एक भी हो शुरू हो रहा है। तो आप देखिए यार, पहाड़ों की शक्ल में अल्लाह सुबहाना व ताला ने कॉस्मेटिक्स, सोप, साबुन, शैम्पू, लोशन वगैरह भी ये चीज इसमें इस्तेमाल, 200-300 प्लस चीजों में। यार यार हिसाब से वैसे भी रब्ता करेंगे, मुझसे करेंगे इंशाल्लाह। आला रब्बुकुम अतुकज़्ज़बान। ये देखिए इसको सिलिकॉन क्वार्ट्स कहते हैं। देखिए माशाल्लाह इसकी खूबसूरत है यार, इसके पहाड़ होते हैं, इसके होते कुर्बान जाऊँ यार उस अल्लाह पे तवक्कल रखे जो पहाड़ों में ऐसे हीरे पैदा करते हैं। हमारा आज जो है 2-3 दिन का रिजक इधर उधर हो जाते, हम डर जाते हैं। उस अल्लाह पे भरोसा रखे, पहाड़ों से आपका रिजक जारी कर देगा।